नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। कोरोना वो नाम है जिसने देश की उस हालात को उजागर कर दिया है जिसके लिए आने वाले समय में हर सरकारों को सोचना पड़ेगा। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने न केवल वर्तमान भाजपा सरकार बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों को आप इस समय परख सकते हैं। आज लॉकडाउन के समय पूरे देश में गरीब भुखमरी की कगार पर है। दिहाड़ी कामगार और मजदूर इस समय अपना पेट भरने को तरस रहे हैं। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब इसे कानपुर जैसे महानगर में देखा जाए। लेकिन अगर हर नेता समाजवादी पार्टी के इस युवा नेता की तरह अपने क्षेत्र में जनता की सेवा में लग जाए तो कोरोना वायरस की वजह से बने इन हालात में भी उनको किसी भी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सम्राट विकास यादव देखने में तो युवा है लेकिन मानवता शायद उन्हें विरासत में मिली है। इस कठिन दौर में गरीब मजदूरों, दिहाड़ी वाले, रिक्शा वाले गरीबों के लिए उनका बेटा होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। उन्हें भूखा नहीं सोने दे रहे हैं। हर एक जरूरतमंद के लिए वही जिंदगी देने के लिए कार्य कर रहे हैं जैसी वे सभी लॉकडाउन से पहले अपने और अपने परिवार के लिए जीते थे। अभी तक विकास यादव ने अपने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के गोविंद नगर, शास्त्री नगर, मसवानपुर, विजयनगर आदि क्षेत्रों में हजारों जरूरतमंद घरों में राशन किट का वितरण किया है। उनकी राशन किट में 5 किलो आटा है, 3 किलो चावल है, 3 किलो आलू है और सरसों का तेल है, जिससे कहा जा सकता है कि शायद एक परिवार इस लॉकडाउन तक गुजारा कर सकता है। विकास यादव ने कबीर न्यूज से बात करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर इस विपदा की घड़ी में कोई भी जरूरतमंद खाने की वजह से परेशान ना हो, किसी भी जरूरतमंद को परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। उनका कहना है कि उनके पास जब भी किसी जरूरतमंद का इस विपदा की घड़ी में फोन आता है उसे तुरंत ही यह राशन किट उपलब्ध करा दी जाती है। अगर लॉकडाउन किसी वजह से बढ़ा तो किसी को भी भूख की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना से हम मिलकर लड़ेंगे और इसे परास्त भी करेंगे। युवा जोश है, इस युवा जोश के साथ सभी लोग आगे बढ़ें और कोरोना से लड़ाई करें। अगर 50 आदमी की मदद करते हैं, अगर हमको लगा कि 20 आदमी भी पा गया जिसको जरूरत थी तो रात में नींद अच्छी आती है, तो रात में नींद अच्छी आती है। अगर आशीर्वाद नहीं जितने गरीबों का मिल रहा तो आत्मा तो इतना आशीर्वाद तो खाली अखबारों में, खाली अखबार में और यहाँ वहाँ फर्जी सब चिल्लाते हैं कि सरकार ये दे दे रही, सरकार वो दे दे रही है, कहाँ दे दे रही है। रात ही दिया के जला ले रहा है, बताओ सरसों तेले के उतना सरसों तेले में एक टाइम सब्जी बन जाती है, बन जाते ना। अजय का बैल उसे चलो कुछ ऐसे काम कहा कर रहे हो आप, एक टाइम सब्जी बनाना चाहते रहे कि नहीं बताओ चाची। सही बात, क्या क्या बात है उस चीज का, वो अपना बैठ के दिल्ली से कह दिए तो काम करना जरूरी है क्या यहाँ आदमी। हम कह रहे हैं वह तलवा जुटा के चार घरे और एक तो कौन मजबूर विधवा चाहे गरीब विकलांग औरत के दे देती, घर में तो दो टाइम खाना बना लेती ना। अब फर्जी बजा जला के दिया अपने दरवाजे पर रख के जला दिए आप लोग। तो सुना है बतिया सुन ले, तो ये रहते हमसे हमारे काम मकसद है, हम केकर मदद करना चाहते जान गए ना तो हम तो वही हिसाब से हम फिर एक बार प्रयास करब आई ठीक हुआ पता करा के जो रह जाता है मदद कर ठीक हुआ। अभी मत सोचा कि ये समझा कि हम कैसे हिम्मत करके लोगों के बीच में जाते हैं अपने खावे में से खा तू देख रहा है ना, बहुत पर पुण्य मिली हाथ सब लिखा ले ऊपर लिखा जाए। फिर कबीर न्यूज आपसे अपील करता है अपने घरों पे रहे, लॉकडाउन का पालन करें, बने रहे कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। माँ शारदा मेडिकल स्टोर की पूरे देशवासियों से अपील, अगर आप
आपको बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में जाने से बचें। अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। टिश्यू पेपर का प्रयोग करने के बाद उसे बंद डस्टबिन में फेंकें। कोरोना वायरस हाथों पर 10 मिनट रहता है, इसलिए साबुन से हाथों को 20 सेकेंड अवश्य धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है, यह जल संपर्क से फैलता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। गर्म पानी पिएं, पानी से गरारा करें और सूरज की धूप अवश्य लें। विटामिन सी का अधिक प्रयोग करें। आहार में नींबू और संतरे को अवश्य शामिल करें। कोरोना वायरस कपड़ों पर 9 मिनट से 10 घंटे तक रहता है, इसलिए कपड़ों को अच्छी तरह धुलकर धूप में सुखाएं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसे अदरक का काढ़ा बनाकर अवश्य दें। अगर काढ़ा नहीं है तो पानी में अदरक उबालकर शहद मिलाकर उन्हें जरूर दें। अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर कॉल कर तुरंत सूचना दें। ये थे कुछ एहतियात जिन्हें आपको बरतने हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए।